और 10 खाने वाले, ऐसे में गुजर हो तो कैसे? सुबह हुई और खिटखिट शुरू हो गई। घड़ी भर जबान को चैन नहीं, कतरनी की तरह चले ही जा रहे हैं। चैन तो मर के ही आएगा। अरे मरने वाली होती तो कभी की मर गई होती, सास ससुर के सामने गज भर की जबान न चलाती। अरे भगवान, पहले पूजा तो कर ले, फिर जी भर के लड़ लेना। लड़ा कभी जूती, मैं किसी निर्लज के मुंह नहीं लगती। ओह क्या मुसीबत है, सुबह हुई के भाभी और माता जी की खिटखिट शुरू हो गई। देखो जी। अरे अब चुप्पी रहो, क्यों बात बढ़ाती हो? हाँ मेरी बात बढ़ाती हूँ, तुम्हारी माँ के मुँह में तो जवानी नहीं है। ये सारे झगड़े नकद नारायण के हैं, घबराओ नहीं। आज मैंने पूरा 2 तोले नौशादा डाल दिया है, अब के तो पूरा उतरेगा। आग लगे इस लक को, सोना बनाने की धुन में घर फूक रहे हैं। अरे भगवान देखती तो जा, ये तेरे पीतल के बर्तन भांडे सब सोने के न बना दूं तो धनपतराय नाम नहीं। बाबू जी का तो अब दिमाग चल गया है, समझते हैं छू मंत्र से घर में लक्ष्मी आ जाएगी। अरे हाँ अच्छा याद आया, आज स्टेशन पर लक्ष्मी को लेने कौन जा रहा है? लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी? वही इनकी भतीजी। मेरी भतीजी क्यों होती? अपनी भतीजी मेरा सब खोपे देते हो? देखो जी मुझे मेरे मैके भिजवा दो, यहाँ अपने खाने को नहीं उधर और मेहमान बुलाए जा रहे हैं। कौन मुझे बुला रही है मेहमान? आज की कसर रह गई, नहीं तो घर में सोने के ढेर लग जाते। नमस्ते भैया जी, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते। जान पड़ता है हमारी चिट्ठी नहीं मिली भाभी? मिली थी, वो तूने लिखा तो था कि मेरा इरादा यात्रा को जाने का है। तो क्या हुआ, बहू तो रहेगी? मैं तो मैके जा रही हूँ बुआ जी। अरे अरे बात तो सुनो। क्या? देखो जी, या तो मुझे मेरा मैके भेज दो और या तो अलग मकान लेकर रखो, मैं अपने बाल बच्चों का पेट काटकर इन एरो भरो पेट नहीं भर सकती। अरे इस बुढ़ापे में माता पिता को किस पर छोड़ जाऊँ? मेरी जाने जूती, मैंने तुम्हारे माता पिता का ठीका नहीं ले रखा है। तुम ही संभालो बुआ, इसे मेरी छाती पर छोड़कर कहाँ चली? और सुनो भाभी जी, तुम्हारे और भैया के होते हुए भला हम कौन इसके सगे वाले हैं? सगे वाले क्यों नहीं, वो तुम्हारे भाई के साले की भतीजी की बेटी जो हुई। और तुम्हारा भी तो फुफेरी बहन के मौसी की पोती है, तुम्हारा नाता तो बहुत पास का है। तुम्हारा भी नाता दूर का नहीं है बहन, इसकी माँ मरने वाली तुम्हारे हाथ में हाथ देने को कह गई थी, सुनो तुम ही संभालो इसे। अरे अरे क्या कर रही हो? चलो चलो जल्दी चलो। जाओ जी, खड़े देख क्या रहे हो? तुम सामान डालो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। कहाँ चले जोगू बेटा? बस माँ, अब इस घर में गुजरना होगी, आखिर मैं भी तो बाल बच्चों वाला हूँ। अरे जग्गू सुनता, जग्गू बेटा अच्छे भले घर को आग लगाना, ये अभागन कहाँ से आ मरी? लपे शिकवा नाला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर गीले, अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। Oh
बेकस की तबाही। वाह वाह वाह। नमस्ते मदनलाल। नमस्ते। क्या आवाज पाई? ये मेरी आवाज नहीं है, श्रीकांत जी की कविता है। ओह। जब जिंदगी का बोझ उठाया नहीं उठता तो गीतों की दुनिया में खो जाती हूँ। श्रीकांत जी को तो आप जानते हैं ना? क्यों नहीं, बहुत अच्छी तरह से। आप तो बड़े भगवान हैं, मैं शायद उनसे कभी नहीं मिल सकती। अरे मिल क्यों नहीं सकती हो, आपके बम्बई आने दो, मिलवा देंगे। सच? हाँ हाँ। अरे वो अपनी जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन है ना, उसके आप सेक्रेटरी हैं। अच्छा। सुनो, वो हम लोग एक चैरिटी शो करने वाले हैं, उसमें एक गाना दे सको तो। गाना? हाँ। हो तुझे तुझे गाते सुना जितनी तक वो मसल दूंगी। दुनिया भर का कूड़ा मेरे ही नसीब में लिखा है। हे भगवान, अब तो मुझे मौत ही दे दे। इधर ये हैं जिन्हें अपने कीमिया से ही फुर्सत नहीं, और इधर ये जवान बेटा न काम का न धाम का, दिन भर आंटता है। क्या मुसीबत है, सुबह हुई और काम खाना शुरू कर दिए। काहे को अपना जी जलाती हो जग्गू की माँ? अरे बहना क्या बताऊँ, इस लौंडिया ने तो नाक में दम कर दिया है, तो फिर शादी करके इसका पाप क्यों नहीं काट देती? कौन इस मुई कारण से शादी करेगा? तुम कहो तो मैं बात करूं। वो दीन दयाल जी है ना? अरे ओ लच्छो जी आई। दोनों लड़कियों का तो भगवान की दया से ब्याह हो चुका है। जी दीदी जी। अरे दो पैसे के 500 ले आ। हाँ जरा उम्र ज्यादा है, फिर भी आजकल के नौजवानों से अच्छी हैं। पर वो क्यों करने लगे? मल्लू बाबू, हमारे पैसे कब मिलेंगे? अरे पहलवान क्या बात, कब तक बहाने बनाते रहोगे? अरे यार मरा क्यों जाता है, पैसे मिल जाएंगे तेरे। खड़े क्या कर रही, चल जा यहाँ से, चल। तुम तो खामखा बुरा मान गए, पैसों की क्या बात, और जाओ तो जितने ले लो। अरे पहलवान तेरे पैसे बड़े महंगे पड़ जाते हैं। ब्याह का सारा खर्चा सेठ जी अपने हाथ से करेंगे, और ऊपर से 400-500 रुपये मिल जाएंगे, समझी? दादी, आई हो दादी। अरे दो घड़ी बैठने नहीं देवे हैं तो फिर मैं बातचीत करूं? हाँ हाँ। अरे भोला की ताई, जरा हमारे लिए भी एक अच्छी सी लौंडिया तलाश करो ना। देखो तो भला कैसी बातें कर रही है। दादी। आई बाबा आई। बुढ़ापे में तुम्हारी अकल घास चरने तो नहीं चली गई? कहाँ वो बुढ़ा खुसट, कहा ये थूलसी बच्ची? तो बस कलेजे से लगा के रखो अपनी लाडली को, मेरे पास कौन सा खजाना रखा है जो उसे बिठा के खिलाऊंगी? जानती है सबसे पहले जो सोना बनेगा उसका क्या करूंगा? क्या करोगे काका? तेरे कानों की बालियां बनवाऊंगा और गले की कंठी। नहीं काका, पहले अपने लिए कुर्ते के बटन बनवाना, मैं सफेद झप कुर्ता सीऊंगी तुम्हारा। अरे हाँ हाँ, बटन भी बन जाएंगे, पर पहले तेरे लिए गहने बनेंगे, और फिर एक अच्छा सा वर ढूंढ कर तेरा ब्याह कर दूंगा। लच्छो, अरे ओ लच्छो। जी आई। जी बल्ले बाबू। ले मेरी लालदा का बिल्ली का तो। सुन, पनवाड़ी की दुकान से मत लियो, नुक्कड़ वाली दुकान से लेकर आइयो, चलो पक्के। अरे कहाँ भेज रहे हो रात के वक्त लड़की को? इसके पाँव की मेहंदी नहीं छूट जाएगी। जा रही जा, जल्दी आइयो। सुनिए, सुनिए, बाद में मेरे पीछे लगा है, मुझे घर
घर नहीं जाने देता, चलो हमारे घर से। एक बार हमारे बेकरार दिल की धड़कन सुनो। नहीं अलीजा, कोई देख लेगा। सिवाय हसीन चांद के और कौन? और कौन देखने वाला है? और कौन देखने वाला है शहजादी? अरे तू चल भाग जा, चल 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 भाग यहाँ से शहजादी। दलपत है ना, वो मेरे पीछे लगा है। वो दलपत है ना, वो मेरे पीछे लगा हुआ है। चुप हो जाओ। ये क्या किया लक्ष्मी, गजब हो गया, अब क्या करें? हाँ एक काम करो, वो जो गाना तुम उस दिन घर पर गानी थी ना, वो गा दो। नहीं नहीं, मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे। भगवान के लिए लक्ष्मी, देखो हमारी लाज रख लो, वरना ये लोग थिएटर में आग लगा देंगे। बैठ जाइए, अब हम आपको अपने यहाँ की एक नई कलाकार का गाना सुनवाएंगे। तबाही के सामान हजारों हैं, दीपक बेकस की तबाही के सामान हजारों हैं, दीपक तो अकेला है, तूफान हजारों हैं। बेकस की तबाही के सामान हजारों हैं, दीपक तो अकेला है, तूफान हजारों हजारों है। मजबूर किया हमको, लाचार किया हमको, दुख दर्द जलन आंसू, क्या ज्ञान दिया हमको, क्या ज्ञान दिया हमको। भगवान तेरे हम पर एहसान हजारों, भगवान तेरे हम पर एहसान हजारों है, दीपक तो अकेला है, तूफान हजारों है। सूरत के तो इंसान है,
शहर में हम दर्द नहीं मिलता, फिर आए जहां भर में मोती की तरह प्यासे रोते हैं समंदर में, मोती की तरह प्यासे रोते हैं समंदर में, अपना ही नहीं कोई अनजान हजारों है, अपना ही नहीं कोई अनजान हजारों है। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है? आप रहते कहाँ पर हैं? आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? कर लेंगी सर, दम तो लेने दीजिए बेचारी को। मुझे मेरे घर पहुँचाइए। हाँ हाँ, मैं पहुँचा देता हूँ, जरा जल्दी कीजिए। मैं जाने, ये लड़की आज कहाँ चली गई? 100 बार बता चुकी हूँ कि बीड़ी लेना नुक्कड़ तक भेजा था। मुझे तो इस छोकरी के लक्षण फूटी आंख नहीं पाते, एक दिन नाक कटा के रहेगी। चल बे बल्लू, देख बे, पैसे लौटा दे मेरे सीधे हाथ, वो तो भाग गई। भाग गई तो पैसे भी भाग गए, हो गए। सवेरे समझ लूंगा बेटे, बचकी कहाँ जाएगा मुझसे? वो कहाँ गई? लक्ष्मी, लक्ष्मी कंगाल के घर लक्ष्मी नहीं टिकती। अरे अभी खाली हो गई, वो भी गई, ये भी गई। तूने उसका सौदा कर दिया, पाजी बदमाश। बार लक्ष्मी देवी की तारीफों से पटे पड़े हुए। मैंने कहा ना कि बाबा हमको नया आर्टिस्ट नहीं चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर हाथ में डब्बा नहीं लेता, फेंक देता, सबको बड़ा आर्टिस्ट चाहिए, बड़ा आर्टिस्ट। तो पछताएंगे आप, काहे को? फिर इन दामों में ऐसी हीरोइन नहीं मिलेगी। ऐसा? आज 5,000, कल 10,000, परसों 20,000। बस 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 सोच क्या रहे हैं। तो अहमद भाई कॉन्ट्रैक्ट टाइप करने को बोलो। ये बात हुई, आइए। ये कोई चकला नहीं है, समझे, शरीफों का घर है। खाली फिल्म भूम काय को मारता भाई, अपन तो फिल्म बनाता, फिल्म एकदम फर्स्ट क्लास पिक्चर, तुम्हारी छोकरी को स्टार बनाएगा, स्टार। अरे क्या झगड़ा है? देख रहे हो, फिल्म में काम करेंगी, इसे अभी गांव चलता करो, कोई भांग मराठी का घर समझा है? अरे बाबा फोकट में थोड़ा ही काम करा था, अपन तो पैसा देगा पैसा। हमें नहीं चाहिए आपका पैसा वैसा। क्या मस्तक फरीला आदमी है, अरे कमती है तो ऐसा बोलो। बल्लू ये क्या कर रहे हैं, वापस कर देंगे रुपया। बाबूजी बात तो सुनो, तुम अंदर जाओ, मैं इनसे निपट लूंगा। मैं लक्ष्मी का भाई बलराम,
ये आपके रुपए, ये आप रखिए, आप रखिए, ये तो एडवांस है एडवांस। थैंक यू थैंक यू। आइए आइए बैठिए, ऐश करो ऐश। तकदीर वाला आदमी है, छोकरी लाखों रुपए कमाएगी लाखों रुपए, मजा करो, यही एक समझदार आदमी है। पर वो छोकरी कहाँ है? वो छोकरी कहाँ है? इनका मतलब है लक्ष्मी देवी। ओह लच्छो, अरे ओ लच्छो, लक्ष्मी लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। जी पल्लू बाबू। अरे बाप रे, सर छोकरे तो एकदम कंडम मालूम होता है। हमद भाई तो हमको काय को फंसाता है। ओहो, अरे जरा मेकअप हो जाने दीजिए फिर देखिएगा। चल चल। बड़े शरीर है। आज सुबह सुबह फिल्मिस्तान का प्रोडक्शन मैनेजर आया था। अच्छा। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैंने इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने। क्या साहब फिल्मिस्तान फिल्मिस्तान करता है तुम? हम कोई थर्ड क्लास प्रोड्यूसर है? अखा बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में अपना बिजनेस चालू है। अभी अपना नवा पिक्चर रिलीज होने वाला है, 26 सिनेमा हॉल बुक कराना है, 26। क्या साला फर्स्ट क्लास पिक्चर बनाया है, एकदम हिट। साहब पुलिस की उतारने से उतर नहीं सकता क्या? और क्या सेठ जी, और ये साला अपना हम्मद भाई क्या साला डायरेक्टर है, बड़ा बड़ा डायरेक्टर, इसके सामने कुछ नहीं, पानी भरता है। क्या सा साथ लेता है, जब देखो जब क्रेन घुमाता है, अखा पिक्चर पेन फोकस। क्या जी दुरुस्त फरमाए हैं आपने सेठ जी, तुम्हारे शुक्र को एकदम स्टार बना देगा, एकदम हिट। बुला ना साले, कॉन्ट्रैक्ट करने को बुला, अभी लेकर आता हूँ। अरे उठ कमबख्त, कपड़े बदल जल्दी से। कपड़े तो और मेरे पास नहीं है। उफ, क्या मुसीबत है। क्या हुआ है बल्लू? तुम नहीं समझोगी माँ, ये फिर सौदे कर रहा है, वापस कर रुपया। माँ तुम जरा इसके कपड़े बदलवा दो। बाबूजी मैं बाद में समझा दूंगा। नहीं अभी समझाना होगा। देखो बाबूजी मैं बाद में समझा दूंगा, बात ये अहमद भाई जी, ये साहब बलराम आप तो पक्का 420 मालूम होता है। वो उसकी आप फिक्र क्यों करते हैं, उसे मैं निपट लूंगा, चलेगा। और 6 महीने का किराया देना है, ये सब कहाँ से होगा? इस कमाई से तो भीख मांगना अच्छा है। एक फिल्म में काम करेंगे और बस। वैसे लच्छों की देखभाल मैं खुद करूंगा, माता जी भी साथ चलेंगी, और अगर कोई ऐसी बात है तो तुम भी साथ चलना। मुझे तो माफी। चल 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 लच्छू चल। बल्लू ठीक ही तो कहता है, पैसा आ जाएगा तो लड़की का किसी अच्छी जगह ब्याह कर देंगे। अरे सुनती हो जी, अरे देखो अपनी लक्ष्मी फिल्म स्टार बन गई, ये देखो तस्वीर। हाय मेरी माँ, अब तू लाखों कमाएगी। और क्या, अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाकर गाड़ी लेके आओ, मैं बच्चों को तैयार करती हूँ। गाड़ी? अरे सुनो रफी, बच्चों कहो बेबी 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 बेबी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते भाभी जी। अरे मेरी लक्ष्मी, मेरी बच्ची। अरे कितनी दुबली हो रही है मेरी बच्ची। तुम लोग इसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं करते। क्यों बिटिया? अरे वाह मेरे भगवान, क्या तेरी लीला है। मैं तुम्हारे पास तो नहीं आई हूँ जी, अपनी बच्ची को देखने को जी तड़पा तो। कितना मस्का लेकर आई हूँ मासी, कोई मन दो मन। अगर हमारा आना तुम्हें ऐसा बुरा लगे है तो हम जाने हैं। चल बेटी चल। अरे अभी तुम लोगों ने रख लिया, अब कुछ मेरा भी तो हक है। आई बड़ी हक जताने वाली, वो दिन भूल गए जब मेरा सर पटक कर चल दी थी, इसकी माँ मरने वाली मेरे हाथ में सौंप गई थी। ये चाल किसी और के साथ चलना, क्या कहा चाल चाल चल रहे हो तुम लोग। अरे हम बको क्या कर रहे हो, गरीबी इंसान को कितना नीच बना देती है। मासी, दीदी, मासी, बल्लू बाबू। अरे बाबा नया बंगला बहुत बड़ा है, उसमें सबके लिए जगह है।
देखते ही देखते लक्ष्मी की शोहरत आसमान की बुलंदियों को छूने लगी। सैकड़ों बार उसने प्यार किया, हर बार नए प्रीतम तलव लगाई, बीसियों बार अग्नि देवता के चक्कर लेकर मांग भरी, दर्जनों बच्चे उसकी गोद में घुमक कर मुस्कुराए, मगर तब खेल ही खेल में, सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर। दुनिया में उसे सब कुछ मिला, एक प्यार न मिला। हाय हाय, ये लड़का है कि शैतान, कुछ खाने में नहीं देता है, और ऊपर से ही हंसती हो। कोई साहब लोग आया है, इंटरव्यू मांग रहे हैं। इंटरव्यू हमारे पास नहीं है। अरे सुन, कहते पड़ोस में मांग कर ले गए हैं, आएगा तो दे देंगे। अरे ये क्या ऊटपटांग बक रही हो, जानती भी हो इंटरव्यू किसे कहते हैं? अबे ठहर, मैं देखता हूँ। क्या बात है? नमस्ते। नमस्ते। वो मैंने बलराम साहब से कहा था कि कहिए, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मुझसे कहिए, वो तो सो रहे हैं। कौन है भाई? नमस्ते बलराम साहब। ओ अमर बाबू, नमस्ते, आइए आइए आइए, बैठिए बेबी। अरे बच्चों भागो यहाँ से, क्या कूड़ा करके फैला रखा है, भागो भागो यहाँ से। बेबी, ओ बेबी, ये बंद करो, इधर आ। अरे आओ भी जल्दी, बैठो, आओ बैठो। आप हैं मिस्टर अमर, आकाशवाणी के एडिटर। नमस्ते। नमस्ते। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चलकर बैठो ना तुम भी। आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। जी पूछिए। जी आपने तालीम कहाँ तक पाई है? मैं जी मेरा मतलब है कि इन्होंने किस स्कूल में तालीम पाई? अजी साहब, स्कूल तो किसी काम के नहीं होते। जी सब बंडल। जी घर ही में पढ़ाया। अच्छा। हाँ हाँ, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जरूर पूछिए। फरमाइए। प्रेम के बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी बेबी की उम्र ही क्या है, करीब घराने की बहू बेटियां प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ा करती। तो आप शादी कब तक कर? शादी? अजी साहब, एक आर्टिस्ट को तो शादी करना ही नहीं चाहिए। निगोड़े बच्चे भी कोई पसंद करने की चीज है? यू आर मेरा जंजाल। बच्चों से चिढ़ है बेबी को। आप जरा इधर आ जाइए, तो ये आपकी पिक्चर ले लें। हाँ हाँ जरूर जरूर। आप लोग जरा जरा दूर दूर। अरे सुन लो, अरे आओ, अरे आओ, अरे आओ, अरे आओ, अरे आओ, देखिए वो, देखिए मेरे पीछे कौन कौन पीछे, अभी आप लगे भी हैं। आप भी अभी आप पीछे हैं। मैं तो पीछे ही हूँ, ऐसे खड़े नहीं हैं। मैं फोटो कैसे आएगा? आप सब तैयार हैं? हाँ ठीक है, रेडी। हाँ हाय क्या हुआ? हाय हाय, ये तो जरूर है कि घर से लाके आने आने जान लिया नाक में दम है। अरे धमाका, वो इस किनिया के लगने तो नाक में दम कर रखा है। वो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी मेरा मतलब है कि प्रेम के बारे में आपका क्या ख्याल है? बाबूजी ने इस घर को भी तोफाना बना डाला है। मैं आपसे फिर मिलूंगा। हाँ साहब, फिर अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते बेबी, यहाँ साइन कर दो। बल्लू बाबू, अब और पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट न कीजिए, मुझसे ये दिन रात काम नहीं होता। अरे पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप तो गधे हैं भाई साहब, बकबक मत कर, चल यहाँ साइन कर, साइन कर। देख बेबी, शॉट तैयार है, जल्दी से आ जाना। हाय
आदर से आदर। अगर आज मेरी बात का जवाब नहीं मिला तो लड़ाई हो जाएगी। किस बात का जवाब? यही कि मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये यूं समझ लीजिए, क्या आपने किसी से मोहब्बत की? अरे इतनी बड़ी हो गई और अभी तक किसी से मोहब्बत नहीं की? हद हो गई। हाथ दिखाइए जरा, हाथ दिखाइए जरा, देखें आपकी रेखाएं क्या कहती हैं। आपको हाथ देखना आता है? मामूली सा, ये लीजिए। ये कागज मैं रखूंगा। वो क्यों, मेरे ऊपर भरोसा नहीं क्या? नहीं नहीं, भरोसा क्यों नहीं, तुम बिगड़ते काहे को हो? आप बातें ऐसी बेवकूफी करते हैं। हाँ, मैं? अच्छा, और कुछ बताइए। और कुछ? हाँ, शादी। शादी? जी हाँ, बहुत जल्द। अच्छा, एक बात और बताइए। पूछिए। पूछिए ना। बच्चे? बच्चे? हाँ हाँ हाँ, बच्चे बच्चे बच्चे, एक दो बस। बस सिर्फ दो? तो और कितने चाहिए आपको? कम से कम छह तो हो। छह? यानी कि छह बच्चे? हाँ, तीन लड़के तीन लड़कियाँ। मगर मेरी राय में छह बच्चे तो बहुत हो जाएंगे, गाँव गाँव करके भेजा चाट लेंगे। आपको बच्चे पसंद नहीं? अब पसंद है पसंद है, मगर एक या हद से हद दो बस काफी है। दो से क्या काम चलेगा, घर सुना सुना नहीं मालूम होगा। मगर सोचिए तो कि छह कितने बहुत से हो जाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना मुश्किल हो जाएगा। जानते हैं जब मैं छोटी थी तो क्या सोचा करती थी? क्या सोचा करती थी? नहीं आप हंसेंगे। नहीं नहीं नहीं, कसम से हम नहीं हंसेंगे आपके लिए। अच्छा बताओ, मैं सोचा करती थी बारह बच्चे हो। बारह? बारह बच्चे? यानी क्या बारह बच्चे? हाँ, छह लड़के छह लड़कियाँ। मैंने तो उनके नाम भी सोच के रखे थे, चुन्नू मुन्नू अब्बू टप्पू पप्पू शानू। चुन्नू मुन्नू टप्पू? चुन्नू मुन्नू अब्बू टप्पू पप्पू शानू। चुन्नू मुन्नू पप्पू अब्बू 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 पप्पू टप्पू टप्पू पप्पू शानू शानू। शानू सबसे छोटा? सबसे छोटा। बड़ा शरीर है शानू? जी हाँ, वो तो होगा ही। जानते हैं उसका नाम मैंने श्रीकांत जी के नाम पर रखा है। कभी श्रीकांत जी को तो आप जानते ही होंगे। नाम तो सुना है, मिलने का इत्तेफाक कभी नहीं हुआ। मिली तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा मालूम होता है जैसे मैं उन्हें जन्म जन्म से जानती हूँ। उनकी कविता मेरे जीवन पर छाई हुई है। ऐसा लगता है उन्होंने जो कुछ लिखा है मेरे दिल से पूछ कर लिखा है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैं कह रहा था बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है। पल्लू बाबू, क्या कर रही थी? तब आप जाएंगे कैसे? फिर कब मुलाकात होगी? फिर आ रही हूँ। कल? कल? क्या बात? कल शाम को। कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, वादा करो। वादा? अच्छा वादा करती हूँ। बेबी, ये घरवाला के लिए खोलती? किससे बातें हो रही थी? किसी से नहीं, डायलॉग याद कर रही थी। अरे डायलॉग की कॉपी तो वो भागी जा रही है। अमर बाबू थे, डायलॉग याद हो रहे थे। खानदान की नाक कटवाएगी। हेलो, हाँ हाँ। तो आप आ रही हैं ना? हाँ, मगर क्या सोच रही हैं आप? बल्लू बाबू से डर लगता है? देखिए, बल्लू बाबू को तुम्हारी ये गोली, आप फौरन आ जाइए। फरमाइए, कहाँ आ जाऊं? तुझे कितनी बार मना किया कि उस उल्लू के पट्टे को टेलीफोन ना किया कर। मैंने कहा किया था,
अगर उसका फिर टेलीफोन आया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, समझी? क्या आप आज भी नहीं आ सकती? खैर आपकी मर्जी। देखिए आज तो आपको आना ही पड़ेगा। पर मेरी तो शूटिंग हो रही है। जी मैडम शॉट तैयार है। खैरो, हाँ तो? बस आप ही के डेरे पर आपको बुला रहे हैं। ओफ, वो जाना। डांटती क्यों है आप? कितना टाइम वेस्ट करता है। अरे तो यार, जाफरी को भेजिए आप। और साहब। अरे क्या साहब, साफ कर रहे हो? अरे पैसा फुल दिया है, फुल लाइट मारो, फुल लाइट मारो। अरे टाइम हो गया, अभी तक एक शॉट तुमने लिया नहीं। पिछले आखिर तक तुम कैसा निभाएगा मेरे समझ में नहीं है। शॉट क्या अपना सर लू? मैडम कहाँ है? तीन घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। वो भी मैं देखू? नहीं मैं देखू। हम गधे की तरह कहाँ जा रहे हो? मैडम कहाँ है? इसी को उनको दस दफा बोल चुका हूँ, वो टेलीफोन कर रही है, आती नहीं। मैं क्या करूँ? टेलीफोन टेलीफोन कर रही है? प्लीज थैंक यू थैंक यू। अच्छा अच्छा मैं आधा बरसी। किसका टेलीफोन था? किसी का नहीं, वो दर्जी का था। दर्जी का कहाँ चली? चल साइड पर। वो उन्होंने कपड़े गलत दिए हैं, कपड़े बदल के आती हूँ। जल्दी कर। अरे वहाँ साहब इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तो मोटर भी गायब। जी ये देखिए, ये 70 रुपए 8 आने आपको बताए हैं, इनका चेक मैं आपको दूंगा। अच्छी बात। नमस्ते। तो आप श्रीकांत जी की नई किताब आ गई? जी हाँ, बल्कि वो आप भी अभी यहीं थे। कौन श्रीकांत जी? जी हाँ। कहाँ? अभी तो गए नहीं इधर को। जरा सी किताब का आपको इतना अफसोस हो रहा है? अफसोस किताब का नहीं, अफसोस इस बात का है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं। सच? पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे क्या करूं या न करूं। पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न। प्यार पर बस तो नहीं है। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, मेरे ख्वाबों
के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में शहर है कि नहीं, मेरी रातों के मुकद्दर में शहर है कि नहीं, प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी, तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं, प्यार पर बस तो नहीं है। कहीं ऐसा न हो पाऊं मेरे थर्रा जाए, कहीं ऐसा न हो पाऊं मेरे थर्रा जाए, और तेरी मरमरी बाहों का सहारा न मिले, अश्क बहते रहे खामोश यह रातों में, अश्क बहते रहे खामोश यह रातों में, और तेरे रेशमी आंचल का किनारा न मिले, और तेरे रेशमी आंचल का किनारा न मिले, प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी, तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं, प्यार पर बस तो नहीं है। कितनी मीठी आवाज है आपकी। सब यही कहते हैं मगर काम कोई नहीं दिलवाता। आपको काम की क्या कमी है? अगर आप चाहें तो काम मिल भी सकता है। मैं? कोई मुश्किल बात तो नहीं? अच्छा, हम मत साहब से बात करूंगी, एक बड़ा अच्छा रोल है। कर रहे हो न जाने किसके साथ गुलछे उड़ा कर आई है, जान तो कैसी बदनामी हो रही है। बदनामी हो रही है, और उस दिन बदनामी नहीं हो रही थी जब तू गुंडे के हाथ इसका सौदा कर रहा था। बहू जी तू जाते करने में यही तो इसका दिमाग खराब करते हैं। भला सोचो तो, जवान लड़की गर्द मर्द के साथ यूं घूमती फिरे, नाक कटेगी कि रहेगी? अच्छा तो आज तुम्हारी भी नाक कटने लगी। अब जब 400 रुपल्ली में उस बूढ़े बंदर के सर मंडे दे रही थी, उस वक्त तुम्हारी नाक गलभर लंबी हो गई ना? और हमें भी तो अपनी बेट लग जानी है, अगर ये घूमती फिरेगी तो हमारी बेटियों को कौन पूछेगा? बेटियों की इतनी फिक्र है तो पति देव की कमाई पर गुजारा करो बहू रानी, पर दम निकल जा रहा है, ये उड़ गई तो ऐश किसके बलबूते पर करोगे? ए, नहीं देखिए बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, क्या नई नवेली दुल्हन बनी रहती है। अरे कभी बाप के राज में ये सुख हो गए थे? बाबू जी तो सटा गए। अरे तुम अपना कीमिया बनाओ, तुम्हें इन झगड़ों के वास्ता? मेरी कीमिया की लत तुम्हारी मुफखोरी से अच्छी है। अपने पेंशन पर जीता हूँ, किसी का खून नहीं चूसता। तुम सब मिलकर जोंकों की तरह इस बच्ची की जान को चिपके हो, और सबसे बढ़कर ये भैंसी आज जो। बाबूजी चुप। हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे जिसकी सजा में तूने ऐसे कमीने बेटों का बाप बनाया?
एक लड़की की कमाई पर इन्हें ऐश करते देखता हूं तो शर्म से किसी के सामने नजर नहीं उठती। तूने कहा था ना कि बस एक फिल्म में काम कराएंगे और फिर उस सुधार से उसकी शादी कर देंगे। शादी? और ये मकान का बाकी रुपया कौन चुकाएगा और मोटर के 6000 जो बाकी है? सुनार भी आया था। बहू तुम सो रही थी, मैंने कह दिया परसों आना। तुम्हें बदला चाहिए, इसे मोटर चाहिए, बहू को जेवर चाहिए, इन्हें रेशमी साड़ियां चाहिए, इसलिए तुम सब मिलकर इस मासूम बच्ची को तीनी कर नाचना चाहते हो। अरे जरा सोचो तो, इसके सीने में भी तो दिल है, इसके दिल में भी तो अरमान है, इसे ब्याह कर लेने दो, घर बसा लेने दो। घर पे बुलावा दिया मोर ने बिल्ली की मुझे
एकदम हीरो बना दिया हाँ, लाखों रुपए कमाएगा, बड़ा आदमी हो जाएगा, पीछे हमको पैसा देगा भी नहीं। अरे सेठ जी, ऐसा हो सकता है कभी? हमारे साथ में थोड़ा सा एडवांस। सेठ जी, इन्हें कुछ एडवांस दे दी। क्या हाथ मारा है, एकदम फर्स्ट छोकरी, झटपट शादी बना लो, ये तो साहब बल्लू भाई कुछ लफड़ा खड़ा कर देगा तो पीछे वांधा हो जाएंगे। गाने की ट्यून तैयार है, मेरे ख्याल से आप आज ही से रिहर्सल शुरू कर दीजिए, क्यों साहब? जी बहुत अच्छा। अच्छा, नमस्ते सर जी, शुक्रिया। अब बेबी को भी सच बता तू मुझ पे फिदा, क्यों हुआ और कैसे हुआ? मार गई तेरी बाकी अदा, यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा, क्यों हुआ और कैसे हुआ? मार गई तेरी बाकी अदा, यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा। मार गई तेरी बाकी अदा, यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा, अरे क्यों हुआ और कैसे हुआ? मार गई तेरी बाकी अदा। चांद सी सूरत तेरी, मोहनी मूरत तेरी। चांद सी सूरत तेरी, मोहनी मूरत तेरी।
तेरी धुन मुझे बेसबब नहीं और जलवों में ये गजब नहीं, तेरी धुन मुझे बेसबब नहीं और जलवों में ये गजब नहीं। सच बता तू मुझ पे फिदा, अरे क्यों हुआ और कैसे हुआ। मार गई तेरी बाकी अदा, यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा। मार गई तेरी बाकी अदा, यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा, अरे क्यों हुआ और कैसे हुआ। मार गई तेरी बाकी अदा। बैक फर्स्ट क्लास वो कभी बात यार चाय पी जाए। कहाँ जा रही है? हाँ कहाँ जा रही है? मेकअप ठीक करने जा रही है। नहीं घर चल। हाँ घर चल। घर? लेकिन अभी तो बहुत काम बाकी है। बस बहुत हो चुका काम। हाँ बहुत हो चुका काम। लेकिन बल्लू बाबू क्या सबके सामने जूते खाने का इरादा है? चल हाँ घर चल। अरे ये किधर जा रहे हैं? रोको यार बलराम साहब। देख रहे हो कम वक्तों की बातें, कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। अरे अब क्या कर सकते हैं, अब तो शूटिंग भी हो गई। बलराम साहब कहाँ चले आप लोग? अरे भाई बड़ा जरूरी काम आ गया। हाँ बड़ा जरूरी काम आ गया, मगर अभी तो पूरा सीन पड़ा हुआ है। पड़ा है तो हम क्या करें? जी हाँ पड़ा है तो हम क्या करें, जरा सोचिए तो। अरे भाई आप लोग पिक्चर में काम क्या कराते हैं, हमें मार डालना चाहते हैं। बेबी थक गई? जी मैं बिल्कुल नहीं थकी। देखिए तू क्या जाने चल। हाँ तू क्या जाने चल। अरे मर गए मगर सुनिए तो। जी मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। बात ये है हम माँ साहब के कई दिन से बेबी की तबीयत अच्छी नहीं। जी मैं अच्छी भली हूँ। सुनिए हाँ आपकी बहुत अच्छी तबीयत है, चलिए चलिए। मगर सुनिए तो। जी सुन चुका। अरे क्या सुनिए, मेरा बेड़ा खर्च हो जाएगा। जी सुनिए बे गधे की तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सेठ जी को फोन करो ना। अभी करता हूँ। कैसे उल्लू के पट्टे? आप ही बताइए मैं क्या करता। बेबी का हाथ पकड़ा और चल दिए। ये साहब भल्लू भाई एकदम भवाली है। बिल्कुल हम उसको समझेगा। 26 सिनेमा हॉल बुक करेला और ये दीजिए आ गए। भल्लू भाई ये साकल तुमने क्या लफड़ा किया, जानता है अपन का कितना नुकसान हुआ है? कौन भरेगा? तुम? हम तुम पर केस कर देगा केस। सेठ जी जरा जबान संभाल के। हाँ अभी तो एक दिन की शूटिंग का नुकसान हुआ है, कहीं 5 लाख की पिक्चर का डब्बा ना गोल हो जाए। डेट तो तुम हमसे ही लोगे ना। कैसी बात करता है तुम? तुम हमको ब्लैकमेल करता है? तुम अपने को क्या समझता है? सेठ जी बलराम साहब बैठिए। अब तो कोर्ट में मुलाकात होगी। हाँ कोर्ट में। हाँ बच्चा झगड़े से क्या फायदा, आप बैठिए आप भी बैठिए आप भी। सेठ जी क्या फायदा, आप भी बच्चों जैसी बातें करते हैं। अगर केस के लफड़े में पड़ गई पिक्चर तो पटरा हो जाएगा पटरा। जरा ठंडे दिल से सोचिए। आप क्या सोचेंगे, हम दिवालिया हो जाएगा, फुटपाथ पे जाके चने बेचेंगे और क्या है। बलराम साहब कितने पुराने ताल्लुकात हैं आप दोनों के, जरा सी बात पर यूं आपे से बाहर हो जाते हैं। आखिर बात तो मालूम हो कुछ? बात कुछ भी नहीं।
आप टाल रहे हैं, कुछ तो बात है। सेठ से पूछो हमसे। हमको पता होता तो मगज का घुमाता। आपने जानबूझकर हमें जलील करने के लिए उस छोकरे को साइड हीरो बनाया है। और वो जमाने भर का लफंगा बेबी को हमारे खिलाफ बहका कर उसे अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है और आप उसकी पीठ ठोंक रहे हैं, हैं? अरे बाप रे, ये सब तुम किया है। तुम हमको बोला छोकरा नया है, सस्ता है, छोकरे से कंटिन्यूटी मिले ला है। माफ करना बल्लू भाई, माफ करना। तुम तो हमारे भाई से लिखा है, अपन का तो मगज फिरेला है। ये 420 के चक्कर में आके हम एकदम कंडम हो गया। अच्छा देखो, इस पिक्चर के बाद ये सामर का पत्ता एकदम काट देगा, समझा? जी नहीं, इसी पिक्चर में से उसे निकालना होगा। हाँ, कैसी बात करता है तुम, ये शूटिंग हो रहा है तो? भला ये कैसे हो सकता है बलराम साहब, करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है। और क्या, कुछ हो सकता है तो करो बाबा। अरे क्या करूँ, बीच पिक्चर से कहाँ गायब कर दूँ उसको, सारा रिटेक करना होगा, सारा रिटेक। काहे को रिटेक करना होगा? अरे अब वो कंटिन्यूटी में आ गया है। गोली मारो साइज कंटिन्यूटी को, दूसरा छोकरा खड़ा कर दो, इसे कुत्ता बना दो, बिल्ली। बड़ा मजा आएगा पब्लिक को, क्यों बल्लू भाई? जी जी, और सुनिए, मतलब जवाब नहीं है आपका, और पब्लिक जो मेरे जन्म में थूकेगी तो काहे को? अरे पब्लिक क्या समझती है? ओहो, कैसी बात कर रहे हैं बलराम साहब, मुझे जो कुछ कहना था कह चुका। आगे आपकी मर्जी। अगर वो छोकरा काम करेगा तो हम काम नहीं करेंगे। जी, मुझे काम याद आ गया। नमस्ते। नमस्ते। सर, तुम बोले तो हम पिक्चर डब्बे में डाल दें। नहीं सेठ जी, पिक्चर तो खत्म करना ही है। जी साहब, अमर साहब को भेज दो। अमर साहब, आपको सेठ जी ने बुलाया है। मुझे? जी। अच्छा, मैं भी आता हूँ। कोई बात नहीं। हेलो सेठ जी, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। तुम बोल दो ना। आप ही बोल दीजिए ना। अरे तुम बोल दो ना बाबा। अरे मैं क्या बोलूँ, आप बोलिए। क्या बात क्या है सेठ साहब? अरे बाबा बोलो ना तुम, तुम्हारे को इसका काम पसंद नहीं है। काम पसंद नहीं? अम्मा साहब, आपको मेरा काम पसंद नहीं? नहीं तो सेठ जी से पूछिए। मैं समझ गया, ये आग बलराम साहब की लगाई हुई। सेठ जी, आप एक निकम्मे मुफ्तखोर के कहने से मेरी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। ये मेरे कैरियर का सवाल है सेठ जी। मगज काय को खाता बाबा, तुम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का पैसा ले लो, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। वो काय को मारता है, ये ऑफिस है। हम मजबूर हैं अमर, मुझे बड़ा अफसोस है। 1000-2000 नहीं, लाखों का मामला है। बलराम से बैर मोल लेना मौत को दावत देना है। बहुत अच्छा, मुझे भी देखना है कि बलराम कितने पानी में है। हे भगवान। अमर, अमर, सेठ जी ने क्यों बुलाया? सिर्फ ये बताने के लिए कि मुझे पिक्चर में से काट दिया गया है। हाँ? मगर क्यों? ये बल्लू बाबू से पूछो। सुनो, मुझे दे रहे हो? कसूर? कसूर तो मेरा है जो तुम्हारा। मुझे नहीं मालूम था कि दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी और तुम खड़ी देखोगी। लेकिन लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ? बहुत कुछ कर सकती हो, तुम चाहो तो पिक्चर रुका सकती हो। ये कहो ना कि मेरे लिए तुम कुछ करना ही नहीं चाहती हो। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ अमर। मुझे तुम्हारी जान नहीं, फिल्म में काम चाहिए। हीरोइन तुम हो और हुक्म बल्लू बाबू के चलता है। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आखिर तुम इसे इतना डरती क्यों? पता नहीं, सारा जीवन ही दुनिया से डर के गुजारा है, पर ये कभी नहीं सोचा कि क्यों।
क्या मुझसे भी डरती हो? हाँ, तुम्हारे गुस्से से डरती हूँ, तुम्हारे प्यार से भी डरती हूँ। क्यों? सोचती हूँ कहीं ये ख्वाब ना हो। कान खोल कर सुन लो, सर फोड़ कर घर में से निकल जाऊंगी। मगर माँ, वो तो एक फिल्म कंपनी की नाचने गाने वाली अगर इस घर में आ गई तो इन कमबख्तों को कौन ब्याह कर ले जाएगा? ये तो ना कहो माँ, जब 50,000 रुपए जहेज में देंगे तो एक के हजारों लड़के मिल जाएंगे। क्यों लग जाएगा दामादों का घर में? पचास हजार रुपए? 50,000, 60,000, 1,00,000, जितना तो होगी अपनी फिल्म कंपनी की होगी। कुंडे वाले क्या कहेंगे बेटा? अरे माँ, गोली मारो कुंडे वालों को। अरे रुपया सबका मुंह बंद कर देता है। देखो बल्लू बाबू, मैं कोई तुम्हारी दबेल नहीं हूँ। अच्छा, चंदिया खुश जा रही है मालूम होता है। अपना हाथ लगा के तो देखो, आज मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, मैं शादी कर रही हूँ। शादी? सुनते हैं भाई साहब, शादी कर रही है। अरे सुनती हो, लक्ष्मी देवी शादी कर रही है। इसमें हंसी की क्या बात है? जैसे मैं कोई नई बात कर रही हूँ। कभी दुनिया में किसी ने शादी नहीं की? शादी तो कर रही हो, पर खाओगी कहाँ से? अमर साहब को तो पत्ता कट गया। मेरे रुपयों का हिसाब कर दो। तुम्हारे रुपए? कैसे रुपए? लाखों जो मैंने आज तक कमाया है। लाखों? वो कैसे? पिछले साल में तो मैंने 8 पिक्चरों में काम किया, कम से कम 6-7 लाख तो ये हुआ। अरे भाई, वो कैसे? एक पिक्चर का 5,000 और ज्यादा 7,000 मिलता है, लाख भी तो नहीं हुआ। अगर यकीन ना है तो रसीदें देख लो। और वो जो बिना रसीदों के मिला, ब्लैक का रुपया। ब्लैक का रुपया? अरे तोबा, इसका हिसाब तुम्हारे पास होगा। तो क्या मैंने इतने साल में कुछ नहीं कमाया? कमाया क्यों नहीं, जितना कमाया उससे ज्यादा खर्च कर दिया। क्या? काहे में खर्च कर दिया? अरे भाई, 1,000 खर्च है, पब्लिसिटी का खर्च है, मोटर का खर्च है, तुम्हारा अपना प्राइवेट खर्च है, कपड़ा लगता जेवर ये वो। और वो हुए कुत्ते हैं कि एक एक इतना इतना खाना खाते हैं, उनका भी तो खर्च है। किन कुत्तों ने मेरी कमाई खाई है वो मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर लाखों कमा लूंगी। इस ख्याल में न रहना, 5 साल तक तो तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं काम ही नहीं कर सकती। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल का बल्लाम आर्ट प्रोडक्शन से कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? भूल गई? उस दिन जो मेकअप रूम में दस्तखत किए। ओह, बेईमान। खैर, मैं पिक्चर में काम भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं शादी जरूर करूंगी, सुना? वो तुझसे शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आजमा के देख लो। बहुत अच्छा। हेलो, मिस्टर अमर है वहां? क्यों? आखिर बात क्या है? ये लोग मुझे डरा रहे थे, कह रहे थे तुम्हें मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार है। तुमने मेरी लाज रख ली अम्मा, मुझे यहां से ले चलो कहीं दूर जहां मैं इनकी आवाज तक न सुन सकूं।
मगर ये घर तो तुम्हारा है। नहीं, मैं यहाँ एक पल भी रहना नहीं चाहती। ये घर नहीं, कैदखाना है। इसकी दीवारें चारों तरफ से मेरा दम घोटे डालती हैं। लेकिन इन दीवारों में तो तुम्हारा खून और पसीना लगा हुआ है। हाँ, जभी तो इन दीवारों से मुझे अपने खून की बू आती है। मुझे यहाँ से ले चलो अमर। मगर कायदे से तो ये घर छोड़कर इन लोगों को जाना चाहिए, फिर यही घर स्वर्ग बन जाएगा। ये घर मेरे नाम नहीं है। घर तुम्हारे नाम नहीं? नहीं, बल्लू बाबू के नाम है। खैर, लानत भेजो घर के ऊपर। तुम अपना रुपया और जेवर ले लो। और रुपया जेवर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मगर तुमने तो लाखों कमाया है। हाँ, लेकिन एक पैसा भी मेरे नाम नहीं। क्या? गुस्से ना हो अमर, मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। खैर, कोई बात नहीं, हम फिर लाखों कमा लेंगे। हम फौरन अपनी कंपनी शुरू कर देंगे। और ये घर क्या चीज है, एक साल के अंदर अंदर इससे बड़ा ऊंचा घर बना लेंगे। मगर मैं फिल्मों में काम नहीं कर सकूंगी। वो क्यों? बल्लू बाबू की इजाजत के बगैर मैं कहीं काम नहीं कर सकती। उनसे मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या बक रही हो? मुझसे प्यार नहीं करते? मेरी दौलत के बिना क्या तुम भी मुझसे प्यार नहीं कर सकते? मेरी 4 बहनें हैं और उनकी सब है। लेकिन तुम नौकरी करके बहुत रुपया कमा लोगे अमर। 5 बरस से नौकरी के लिए सर मार रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं मरकर भी उनके जहेज को रुपया नहीं कमा सकता। और फिर माता जी। अमर, माता जी को मैं मना लूंगी। तुम्हारी दासी बन कर रहूंगी अमर। तुम 2 रोटी कमा कर लाओगे, वो तुम्ही को खिला दूंगी। खुद भूखी सो रहूंगी। अमर, मैं मर जाऊंगी। अमर, मेरी सांस घुट रही है। अमर, अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मेरा दिल जाएगा। नहीं जा सकती, सुना? मैं तुम्हारी अपनी जान एक कर दूंगी। अरे लक्ष्मी, ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हें छोड़ के जा सकता हूं? पगली। तुमने मुझे डरा दिया था। डरने की क्या बात है? जाओ, जाकर मुंह हाथ धो। क्या इसी तरह से चल जाओगी? मैं टैक्सी लेकर आता हूं, तुम सामान ठीक ठाक रखना। Thank you.
माफ कर देना। बधाई के समय मुंह न फेरो। अपनी चाल नहीं, चलो चलो। बस आते ही होंगे। आजकल टैक्सी बड़ी देर से मिलती है ना, बड़ी मुश्किल से मिलती है। भाई साहब, आप सोने का इरादा नहीं है क्या? क्यों नहीं भाई, चलो मैं उठूं। जाना ही होगा, मैं नहीं तो मेरी लाश जाएगी। बेबी, चलो बेबी, जल्दी करो बाबा, जल्दी करो ना। एक मिनट, हाँ, एक मिनट बाबा, हम मर जाएगा। एक मिनट बाबा, एक मिनट में सब ठीक कर लूंगा, आप फिक्र ना कीजिए। बेबी, क्या हो गया? बेबी, 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 क्या हो गया? बेटा आओ, पंडित, जल्दी करो बाबा, जल्दी करो। एक मिनट, मैं यूं ही बोल रहा हूँ, आप और दिमाग खराब कर रहे हो। बाबा जल्दी करो, आप बैठिए, मैं सब ठीक कर लूँगा। बत्ती जलाओ यार, तुम्हारा एक मिनट और दिमाग खराब क्यों हो गया? बिटल आओगे बाबा, रेडी रेडी जी? हाँ रेडी। आप क्या झक मार रहे हैं? उठाइए ना कुर्सी यहाँ से। असिस्टेंट बने राइट कमर, साउंड स्टार्ट प्लीज, रनिंग कैमरा। कट कट कट। लेकिन फिर भी बता दे कि तुझे प्यार करूं या न। काट, क्या हुआ मैडम? वो टैक्सी आई है ना? टैक्सी? कैसी टैक्सी?
अरे बौड़म की तरह क्या खाओ, कुर्सी लाओ। अब बेटे, बेबी बेबी क्या हो गया? जी लाओ, क्या देख रहे हो? जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। अरे आखा दिन वेस्ट हो गया, अभी तक शॉर्ट नहीं हुआ। अरे तुमको किस गधे ने डायरेक्टर बनाया? आपने बनाया? अरे बाप रे, तुम तो हमको फुटपाथ भी बिठाएगा तेल बेचने को? मर गए रे राम। क्या नखरे कर रही है? चलिए मैं सब ठीक कर लूंगा। चलो चलो जाओ जाओ, तुम हम सब ठीक कर लेंगे। सब सब भगा फिकर नहीं, आप पैसे भरी। ये तो बड़ी खुशी का गाना है, जरा ध्यान डाल के दो। हाँ, यूं समझो कि चांदनी रात है। हाँ, फूल खिले हुए, तुम्हारे मन में भी कलियां चिटक रही हैं। तुम्हारे मन मंदिर का देवता तुम्हारे सामने बैठा है। हाँ, और तुम खुशी से गा रही हो, नाच रही हो। हाँ जी, कुछ नहीं, बस बेबी जरा सा काम रह गया है, ये सा गाना खत्म कर दो, नहीं तो अपना तो तख्ता हो जाएगा। 26 सिनेमा हॉल बुक करा रहा है, 26। कितना पैसा भरना पड़ेगा जरा सोचो तो बेबी। ले लो चॉकलेट, ले लो चॉकलेट। रेडी? अरे आदमी रेडी। चलो भाई लाइट, आप भी खिल सकिए। हाँ हाँ, भाई कैमरा लाओ। बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। कट कट कट, मर गए मैडम। क्या बात, हटो। क्या भाई डायरेक्टर सो तू, मैं इस सॉन्ग का अभी यू डायरेक्ट करता हूँ, यू। चलो हटो यहाँ से। कीजिए कीजिए। चलो 32 लगा, रेडी है ओडी बॉय। चलो बाजा बजाओ, कैमरे चलाओ। चलो देखो बेबी, नंबर 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 रहने दो, हटो यहाँ से। बाजा बजाओ, बाजा बजाओ, बजाओ। देखो बेबी, यू करना जैसा मैं करता हूँ वैसा ही करना। हाँ मर गए बाबा। जी आपके बस का नहीं, मैं कर लूंगा। चलिए 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 फिर। शादी? शादी कर रही है? अरे तुम शादी कर रही है? अरे अब ये नखरे बंद भी कर। लेकिन मैंने कह तो दिया, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे काम नहीं होता। तेरे अच्छे भी काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, पैसे लिए हैं, और अब काम नहीं कर। मालूम है सारी इंडस्ट्री तेरे जन्म पे थूक रही है। लेते हुए घबराते हैं, और अगर हाल रहा तो कोई कौड़े को नहीं पूछेगा। कहाँ चली? कहाँ चली गई? मुझे क्या मालूम। मिलेगा
रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम ना कर घर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा। अपने शिकवा नाला अश्क पीले, जिस तरह भी कुछ देर जीले। लपे शिकवा नाला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जीले। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोने रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा। आ कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचे। आ कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचे। जो तेरा है वो ही गम है मेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रंगीन होगी,
अरे ठहर ठहर ठहर, तुम्हारे बाप का घर है क्या? अरे ठहर 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 ठहर, अरे बच्चों अब तो आए तो टांग तोड़ रही है। ऐसा बोलो, वो सो रही है। कौन सो रही है? वो लड़की। अरे कहाँ गई? अरे भैया कुछ सपना देखा? नहीं नहीं दादा, समुद्र की तरफ से आई थी। कोई जल परी हुई है भैया? नहीं दादा, एक लड़की थी, शायद चली गई। अरे भैया कोई चोर चकार हुई है, कुछ चीज बस तो नहीं उठाए के ले गई? भर का है महिमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कट कट कट, क्या हो रहा है मैडम? सॉरी, फिर से लीजिए। कैमरा ला भाई, जल्दी प्लीज जल्दी आओ। जब से लगी रात जितनी भी संगीन हो, कुछ जल परी हुई है। चुप कट कट कट, क्या बात क्या है बेबी? जल परी कल टैक्सी, आज जल परी बात क्या है? ये क्या हरकत? हाँ ये क्या हरकत? ये सब तुमने घोटाला करेला है। हमने 26 सिनेमा हॉल बुक करना है, हम तुम पर केस कर देंगे आज थोड़ी देर। जी बात तो सुनिए। क्या सुनने का है? सुनिए बेटा, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, आज हम आपका काम खत्म करके ही जाएंगे। आप अखीरा शूटिंग कीजिए। हाँ, अखीरा शूटिंग कीजिए ना, अखीरा शूटिंग कीजिए ना। और टाइम कौन देगा, लंच कौन देगा? तुम, पैसे तो मेरे जेब से जाएंगे ना। अरे अरे बेबी कहाँ गई? अरे फिर भाग गई, फिर भाग गई, ये छोकरी फिर भाग गई। तुम आ गई? कल भी आई थी। दादा कहता है गीतों की दुनिया में रहते रहते मेरा दिमाग भी एक साज बन गया, जिसकी झनकार से तुम्हारी छवि बन जाती और फिर मिट जाती। कौन हो तुम? आपने मुझे कहीं नहीं देखा? है? याद नहीं पड़ता। ओ हाँ, कल रात तुम वहां पड़ी सो रही थी, मैंने उठाकर यहां लिटा दिया था। फिर सुबह न जाने तुम कहां गायब हो गए। दादा कहता है तुम मेरा बहन। दादा कोई शायर मालूम होता है? नहीं शायर तो नहीं, पर अरे दाल बहुत अच्छी बनाता है, लहसुन से भगाता है। बैठो। अच्छा आप जो अपने दिमाग से तस्वीर बनाते हैं उसे भूख भी लगा करती है? भूख लग रही है? बहुत जोर की। अच्छा मैं दादा को अभी जगाता हूँ। दादा दादा, वो फिर आई है भूखी। उनका मारो, सारा दूध पी जाइए। बिल्ली बिल्ली। दादा बिल्ली नहीं, वो लड़की। दादा मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तो भैया जाओ सो जाओ। जाओ भैया, तुम्हें यकीन नहीं आता, आओ आओ खुद देख भैया। गायब हो गई दादा? अभी भी यहाँ बैठी थी। यहाँ बैठी थी, भी कविता झाड़े लगे। दादा तुम्हें तो मेरी कविता से चिढ़ होगी। काहे को परेशान करत हो? वो देखो कहाँ? उधर नहीं इधर। भैया काहे को मजाक करो हो, बेनाहक का डराए दियो। ये देखो ये मेरी कविता है। आओ आओ, ये दादा है। नमस्ते। जीती रहो बिटिया। आओ बैठ।
दादा कहते हैं तुम कुछ भी नहीं हो भैया, तुम मेरा वहम हो। अरे कहाँ का हक हो? अच्छा इस बेचारी कविता को कुछ खिलाओगे भी या भूखा ही मारोगे? अरे अभी लावत है। ये तुम क्या खा रही हो? कैरी खाएंगे? ना बाबा माफ करो। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम हो कौन। अरे आप ही ने तो कहा था कि मैं आपका बहन हूं। लेकिन तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। घर वाला तो नहीं है, मेरा मतलब है तुम्हारे माँ बाप। माँ बाप भी नहीं है। कोई भी नहीं? बस आप हैं। सेठ जी मुझे बड़ी सख्त जरूरत है, कहीं से भी 10,000 रुपए का इंतजाम कर दीजिए। 10,000? 10 पौड़ी भी नहीं देगा तुमको हम। शूटिंग चालू और छोकरी गायब, तुम अपने को क्या समझता है? 5 लाख का केस कर देगा, 5 लाख का क्या समझा तुम? लेकिन सेठ जी पहले छोकरी को इधर सेठ पे ले आओ, पीछे हम बात करेंगे। बात क्या है? अब क्या हुआ, हाथ काट लिया? देखो दिखाओ तो। ठीक मुंह रख के उठो। हाथ लाओ। कसूर मेरा है, मेरी तरफ देख रही थी ना इसलिए। बिल्कुल ठीक, तुम्हारी यही सजा है। आखिर तुम देख क्या नहीं थी क्या मेरे सर पर सींग है? एक बात बताओ, तुम मेरे साथ यहां अकेली रहती तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों? आपके सर पे सींग जो नहीं, फिर भी एक गैर इंसान के साथ यूं रहना लोग क्या कहें? गैर तो वो होता है जिसे गैर समझा जाए। उंगली की बजाय थोड़ी जबान कट जाती तो अच्छा था। सोने की चिड़िया उड़ गई, बेचारे अनाथ हो गए। बाबूजी ने तो नाक में दम कर रखा है। हाँ Thank you.
हेलो क्या कहाँ हम लोग अभी आते हैं मिल गई अरे सुनती है बेबी मिल गई चलो बेबी हाँ चलो क्या बात है कौन है आप खाकसार को बलराम कहते हैं मशहूर फिल्म स्टार मिस लक्ष्मी देवी का भाई फिल्म स्टार जी हाँ आपने इनकी कोई फिल्म नहीं देखी जी नहीं मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ बेहतरीन एक्टिंग करती हैं क्यों एक्टिंग की बहुत ही अच्छी करती हैं नमस्ते मिस लक्ष्मी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर श्रीकांत जी चलो लक्ष्मी मैं नहीं जाऊंगी श्रीकांत जी ड्रामा तब खत्म हो चुका मिस लक्ष्मी अब एक्टिंग करने की क्या जरूरत है श्रीकांत जी चलो वहां मैं छुट्टी रुकी पड़ी सजा मिलेगी जरूर मिलेगी जरूर गत बना रखी बेचारी इसकी कमाई पर फूल कर कुप्पा हो रहे हो इसे दो मीठे बोल भी नहीं दे सकते अच्छा भैया अब ऐसी भूल न होगी चल बिटिया लक्ष्मी मैं नहीं जाऊंगी हम पर नहीं तो इन मासूम बच्चों पर रहम कर लक्ष्मी तुझे इन पर दया नहीं आती गुस्सा ठुक दो रानी हाँ बिटिया बेबी
मुझे माफ कर दे, तेरे यकह गायब हो जाने से मैं गम में पागल हो गया था, मुझे कुछ सुझाई नहीं दिया, मुझे माफ कर दे बेबी। आप तो खुद अच्छी खासी एक्टिंग कर लेते हैं, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? ले, मैंने तुझे मारा था ना, जो तू मुझे मार। श्रीकांत जी, क्या बेहूदगी है? मैं नहीं जाऊंगी। क्या बात करता है बीबी? नमस्ते जी, आपकी तारीफ है? आप हमको नहीं पहचानते? कैसा बंडल पब्लिसिटी करता जी तुम है? कंपनी के नाम से बूम मारता और हमारी पब्लिसिटी कुछ नहीं करता। आखिर पैसा हमारे जेब में से जाता है ना, वो अल्फ्रेड फिल्म कंपनी है ना, वो अपनी, समझे? जी समझा। ये सब तुम गोलमाल किया है, तुम्हारा मस्तक फिरेला है, तीन पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट करेला है, तीन पिक्चर। लेकिन इस हालत में ये काम कैसे करेगी, ये भी सोचा आपने? ये देखिए क्या बात करता है तुम, हम फोकट में थोड़ा ही काम करता है, पैसा दे रहा है पैसा। क्या फरमाया? कुछ नहीं कुछ नहीं, अपना मस्तक फिरेला है, ब्रिंजिकल हो गया है। 15 दिन से सेट रुका पड़ा है। चलो ना बेबी। श्रीकांत जी, घरेलू झगड़ों से हमें क्या वास्ता, जरा सोचिए तो। अरे जमानत लेता हूँ, कोई शिकायत ना होगी, आप खुद चले चलिए। क्यों साहब, मैं क्यों चलूं? जिसको लेने आया है आप, अगर वो जाने के लिए तैयार है तो ले जाइए उसे। चलो ना, क्या फर्स्ट क्लास सांग बना है। Thank you.
वंडरफुल, मजा आ गया आज बेबी। आप हमारे साथ पार्टनरशिप में पिक्चर बनाइए। पार्टनरशिप में? जी हाँ। जी नहीं, मुझे फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो लोकगीत लिखता हूँ। लोकगीत? आपके लोकगीत और बेबी की आवाज, नशा आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरों के, क्यों लग जाएंगे साथ, क्या ख्याल? जी नहीं, शुक्रिया। हेलो मदन। हेलो श्रीकांत, तुम यहाँ कहाँ यार? यूं ही एक दोस्त के साथ आ गया था। फिल्म लाइन तो आजकल बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है। जिस तेजी के साथ फिल्म लाइन तरक्की कर रही है ना, उसी तेजी के साथ बड़े बड़े कलाकारों के भाव बढ़ रहे हैं और छोटे मोटे कलाकारों के भाव गिर रहे हैं। लेकिन भाई ये क्यों, आखिर वो लोग भी तो अजीब, बड़े कलाकार इतना ले जाते हैं कि प्रोड्यूसरों के पास छोटे कलाकारों को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं। बड़ी मछली का बड़ा निवाला। अब ये देखिए हमारे छोटे मोटे कलाकारों की हालत। दिलों में उमंगे लिए न जाने कितने नौजवान देश के कोने कोने से इस लाइन में काम करने के लिए आते हैं। उनमें से दो चार ही हैं जो आसमान तक पहुंच पाते हैं और बहुत से तो पैरों की धूल बनकर राह में ही बिछड़ जाते हैं। जो जरा सख्त जान होते हैं वो एक्स्ट्रा बनकर एड़ियां रगड़ते रहे। इन्हें क्या तनख्वाह मिलती है? अजी तनख्वाह कहाँ मिलती है, ये बेचारे तो रोजाना मजदूरी पर काम करते हैं। हाँ, दो चार दिन महीने में काम मिल गया तो मिल गया, वर्नाफा के। और मजा ये है, इस दो चार दिन के काम के लिए भी ना पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तक जमीन नापते फिरते हैं, फिर एक दिन जब हाथ पांव जवाब दे जाते हैं तो थक कर कहीं मौत के इंतजार में बैठ जाते हैं। तुम्हारे ये बड़े बड़े फिल्म आर्टिस्ट जो दुनिया भर के कामों के लिए चंदे देते हैं, शो करते हैं, अपने इन गरीब साथियों के लिए कुछ नहीं कर सकते? इसी सिलसिले में तो मैं दिन रात स्टूडियोज में घूम रहा हूँ। मैंने एक स्कीम बनाई है, किसी वक्त फुर्सत में आकर बताऊंगा। यहाँ तो वो हिसाब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनका मुकाबला करने के लिए तो हमें एक ही की जरूरत है, फंड की जरूरत है। श्रीकांत जी, आपको सेठ जी ने बुलाया। क्यों? बस एक दो मिनट के लिए, आइए। तुम यहीं रहना, मैं भी आता हूँ। हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, वो तो मैंने कल भेज दिया है, कल मिलेगा तुमको। हाँ, तुम्हारा काम काले करी ना किशन, चौकस। हाँ हाँ हाँ, बैठो। कशी भाई, तुम गाना बनाता है? मैं गाना बनाता नहीं हूँ, गाना लिखता हूँ। कोई अच्छी चीज सुनाइए। क्या सुनाऊँ आपको? कोई भी, आपकी फजल लाजवाब है साहब। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पर नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। ये जमीन तब भी निगल लेने पा आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मखीनों को खबर है न मकानों को खबर, उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने। सिर्फ खाका था जो, सच पूछो तो खाका भी न था, जिससे ये कसर ये ऐवान उभारे हमने। हाथ ढलते गए सांचों में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। की ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामुदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शमों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शमों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। बन गया कसर तो पहरे पर कोई बैठ गया, बन गया कसर तो पहरे पर कोई बैठ गया,
سو رہے خاک پہ ہم شورش تعمیر لیے اپنی نس نس میں لیے محنت پہ ہم کی تھکن بند آنکھوں میں اسی قصر کی تصویر لیے پر دن پگھلتا ہے اسی طرح سروں پر اب تک رات آنکھوں میں کھٹکتی ہے سیاہ تیر لیے آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے آج کی رات نہ فٹ پاتھ پر نیند آئے گی سب اٹھو میں بھی اٹھوں تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی معمولی آدمی کیا حمد صاحب تم بولتے تھے ایک دم فرسٹ کلاس کیا ایک دم بدھو تم حمد صاحب فرسٹ کلاس ہی گانا نہیں لکھ سکتا تو چھوڑو بابا کوئی اور کام کرو نمستے سیٹھ جی اچھا کیا ہوا کچھ نہیں تمہارا سیٹھ بے وقوف ہے ہاں ہاں ہو جائے گا ہو جائے گا آؤ نا بی بی آؤ بیٹھو نا آؤ آؤ آپ نے شری کانت جی کا اپمان کیا اپمان سب چوپٹ کر دیا کیا چوپٹ ارے سین لینا باقی ہے پکچر ختم کرنا ہے کہ نہیں کیا بات بولتا ہے تم آپ نے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا آپ کی سمجھ تو اون بھی ہے کائے کو ارے شری کانت جی اور لکشمی میرا مطلب ہے لکشمی اور کنٹینیوٹی مل رہا ہے اور نہیں تو کیا مجھے جو انہیں یہاں بلا کے لاتا لکشمی اب بلو بابو کے قابو میں نہیں رہی بلکہ شری کانت کی مٹھی میں ارے باپ رے ہم نے تو سوچا تھا ساجھے میں مل کر پکچر بنائیں گے بلو بابو کے نخروں سے تو پیچھا چھوٹے گا ارے تو پہلے کار کو نہیں بلا تو سنتے کر رہے ہیں آپ بلا بلا سا اس کو بلا بلا بلاتا ہوں وہ ذرا آپ پھر نازل ہو گئے سیٹھ جی نے بلایا ہے اجی سیٹھ صاحب سے کہہ دیجیے نا مجھے گیت ویت نہیں اتنے بس دو منٹ پلیز اوہو آپ تو حد کرتے ہیں آئیے میری خاطر پلیز آئیے اچھا شری کانت میں پھر کسی وقت آؤں گا ہاں ضرور ضرور گیا ارے باپ رے مر گئے رہن دو آئیے 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 بیٹھے بیٹھے کیسا آدمی ہے تم ہم نے تو مزاق کیا تم سچ سمجھا جی کوئی بات نہیں ہمارے ساتھ کانٹیکٹ تیار کرنے کو بولو مگر ایڈوانس 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 کانٹریکٹ بعد میں سائن ہو جائے گا یہ ایڈوانس یعنی فیس کی نہیں صاحب مجھے نہیں چاہیے میں نہیں ارے سنو تو ارے سارا تو ہمارا بڑا بھائی ہے شری کانت جی شری کانت جی سنیے تو کیا ارے بابا بھگتا کا ہے آپ بھی غضب کرتے ہیں سیٹھ جی نہ جانے کس سنک میں تھے آپ برا مان گئے غلطی تو آدمی سے ہو ہی جاتی ہے اپنا تو بابا مستق کھڑیلا ہے مگر صاحب یہ کس لیے ارے بابا لے لو تم تو سالا اپنا بھائی ہے اس وقت رکھ لیجئے ایسے ہی پھر واپس کر دیا تو اس میں کیا ہے مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم کام کرتے ہیں تو پیسہ نہیں ملتا لوگوں کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے پیسہ دیا جا رہا ہے ہاں بھائی ابھی وہاں کھڑے یہ لمبے لمبے بھاشن جھاڑ رہے تھے موقع ملا تو جیبیں گرم کرنے لگے ارے یار یہ سب 420 ہوتے ہیں ابے روتا کاہے کو ہے تو بھی کوئی سونے کی چڑیا پھانس لے پھر تیری بھی چاندی ہی چاندی ہے سیٹھ جی سے تم نے میری سفارش کی تھی میں نے تو سنیے تو بات تو سنیے دیکھیے تم مجھے بھی اپنے جیسے ہی بنانا چاہتی ہو لیکن فلموں کے لیے گانے لکھنے میں کیا برائی ہے آپ کی کویتائیں کتنی سندر ہیں میں چاہتی ہوں یہ انمول گیت دیش کے کونے کونے میں سنائی دیں یہ تمہاری بھول ہے فلمی گیت میں اپنی کلپنا سے نہیں ڈائریکٹر کے حکم سے لکھوں گا مکان کا کرایہ دینے کے لیے لکھوں گا پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے لکھوں گا اس میں نہ میری کلا ہوگی نہ میرا سندیش لیکن اگر آپ اور میں مل کر تم ان باتوں کو نہیں سمجھتی تم دوسروں کی عیش کے لیے کماتی ہو دوسروں کے اشاروں پر ناچتی ہو دوسروں کے لکھے ہوئے لفظ دہراتی ہو میں جانتا ہوں تمہیں مجبوراً یہ سب کرنا پڑتا ہے لیکن کیا تمہیں یہ پسند ہوگا کہ میری کلا کا اور میرے وچاروں کا بھی یہاں خون کیا جائے نہیں تو لیکن کیا فلموں میں کام کرنا کوئی پاپ ہے میں نے یہ کب کہا ہے
काम करना पाप नहीं, काम करना तो इंसान की सबसे बड़ी साधना है। एक्टिंग भी एक कला है, लेकिन इन लोगों ने इस कला को वेश्या बनाकर बाजार में बेच डाला है। तुम कला समझकर फिल्मों में काम नहीं करती, बल्लू बाबू के डर से करती हो, पैसा कमाने के लिए करती हो। पैसा? हाँ पैसा, जो करोड़ों इंसानों की जेब से निकलता है और बल्लू बाबू की जेब में चला जाता है। सच सच बताओ तुम्हें इसमें से कितना मिलता है? दो वक्त की रोटी और कपड़ा, इतना तो तुम कला का खून किए बगैर भी कमा सकती हो। तो क्या लोगों को मेरे काम से कुछ भी नहीं मिलता? मिलता है, पांच आने में झूठे सपने और तुम्हारी सुंदरता की आंच। लेकिन कितने ही ऐसे जिन्हें ये पांच आने या साढ़े पांच आने भी मैयत करने, क्या उनका तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं? सोचा था तुम्हें अपनी दुनिया की एक झलक दिखाएं, लेकिन शायद तुम इसी दुनिया की आदी हो चुकी हो। मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्यार है। लेकिन व्यापार की इस दुनिया में प्यार की क्या कीमत? मुलाकात हो गई, यह भी बुरा नहीं हुआ। कुछ यादें बाकी रह जाएंगी और बस। अच्छा चलता हूं। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, आपको मुझे अपना जीवन साथी बनाना होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही कह रही हूँ, मुझे दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, एक छोटा सा घर और बहुत से बच्चे। और जब तुम शूटिंग पे जाओ मैं घर में बैठकर बच्चे पालू। बच्चे मैं पालूंगी। सारी उम्र सर पकड़कर रोएगी। आप श्रीकांत जी को नहीं जानते। अरे ये सब बदला बदल बने फिरते हैं। फिल्म एक्ट्रेस से कौन शरीफ आदमी शादी करता है? जो करते हैं सो पैसे के लिए। श्रीकांत जी ऐसे नहीं है। फिर वही मुर्गे की एक टांग। अरे दुनिया में हर एक चीज के दाम, किसी के कम किसी के ज्यादा। दुनिया की कोई चीज श्रीकांत जी को नहीं खरीद सकती। ये बात है, अभी मालूम हो जाएगा। चलिए भाई साहब। कहाँ चले बल्लू बाबू? सौदा करने। ये सौदा नहीं पटेगा। अमर बाबू के बारे में भी तो यही गुमान था। सौदा नहीं होगा ना? तेरा मन क्या कहता है बेटा? मेरा मेरा मन तो थर थर कांप रहा है। सारी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि फिल्म एक बहुत ऊंची कला है, इसका करोड़ों इंसानों के दिलो दिमाग पर असर पड़ता है। तो फिर जहां हमारे कॉलेजों में साहित्य संगीत कविता और इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ फिल्म आर्ट की ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती? तो हमारी स्कीम है, इसमें हमने एक स्कूल या कॉलेज खोलने का प्लान बनाया है जहाँ डायरेक्शन फोटोग्राफी एक्टिंग वगैरह की तालीम दी जा सके। देश के कोने कोने से हजारों नौजवान लड़के लड़कियाँ फिल्म के शौक में बम्बई आते हैं, मुश्किल से उनमें से दो चार को काम मिलता है, बाकी तबाह हो जाती है। मगर ये काम तो गवर्नमेंट के करने के हैं, तुम गवर्नमेंट से मदद क्यों नहीं मांगते? क्या पाँच साल प्लान में फिल्म का कोई हिस्सा नहीं है? क्यों नहीं, मगर पहले हम कुछ करके तो दिखाएं। अगर हम नींव डाल दें तो दीवारें गवर्नमेंट की मदद से खड़ी हो सकती हैं। अगर कहीं से 40-50 हजार रुपया भी मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और तुम्हारी एसोसिएशन के पास
इस वक्त है कितना सरमाया? 280 रुपए 15 नए पैसे। भैया मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, मेरा ख्याल था हम शायर लोग ही ख्वाब देखा करते हैं। श्रीकांत, अगर इंसान ने हवा में उड़ने के ख्वाब न देखे होते तो आज आसमान में ये हवाई जहाज और नई चांद नजर नहीं आते। अगर ये लगन है तो कुछ ना कुछ होके रहेगा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया। मैं जानता हूं तुम जिस काम में भी हाथ डालते हो वो होके रहता है। भैया कभी मेरी जान की भी जरूरत पड़े तो तकल्लुफ न करना। श्रीकांत जी, जी आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। फरमाइए। अकेले में? जी हाँ अकेले में। अच्छा श्रीकांत, मैं दादा के पास बैठूंगा। आइए तशरीफ लाइए। दादा चाय नहीं मिलेगी? अरे भैया मिलेगी काहे नहीं, अब ले लो। तो आप सौदा करने आए हैं? ये आटे दाल की दुकान नहीं है क्या? और मन दुमान आटा खरीद कर चल दिए, मोटरें और बंगले खरीदते खरीदते आप इंसान और इंसान की मोहब्बत के नीलाम पर भी तुल गए? इस मोटे ताजे जिस्म को भी जरा तकलीफ दीजिए, हाथ पांव हिलाइए और अपनी रोजी खुद कमाइए। कब तक एक मासूम लड़की के पैसों पर पलते रहेंगे? बेशतर इसके घर धक्के मार कर बाहर निकाल दूं। आप खुद तशरीफ ले जाइए, अगर 20,000 रुपए कम हो निकल जाइए मैं कहता हूं। मगर ये सुनिए तो, अच्छा खैर 40,000 कर लीजिए। जी हाँ 40,000। सोने की चिड़िया की कीमत सिर्फ 40,000? अजी आप नहीं जानते हमारी कितनी बुरी हालत है। खैर 50 कर लीजिए। नहीं साहब, हमारा आपका सौदा नहीं पटा। अजी सुनिए तो। अच्छा आपके ना हमारे एकदम 80,000 कैश? हाँ कैश बिल्कुल नकद। चलो भैया बस सब दे दीजिए। खैरिए पहले खत लिखिए। हाँ देवी के नाम? जी हाँ। ये लीजिए, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया। गेट आउट। ये तुमने क्या किया श्रीकांत? सौदा किया है भैया, ये देखो अब तुम्हारी एसोसिएशन बहुत कुछ कर सकती है। ये लो इतना रुपया, इसकी रसीद लक्ष्मी देवी को पहुंचा देना। नहीं नहीं, हम तुम्हारी मोहब्बत के खून से होली नहीं खेल सकते। ऐसा हो सकता श्रीकांत, ये रुपया तुम्हें वापस करना पड़ेगा। मूर्ख न बनो मदन, जब दुनिया में लोगों को जीने तक का हक हासिल नहीं तो मुझे मोहब्बत करने का क्या हक है? जरा सोचो तो सही, इस रुपए से तुम देश की कितनी सेवा कर सकते हो। हजारों कलाकार जो तुम्हारे इस कॉलेज से शिक्षा हासिल करके निकलेंगे, देश में अपना नाम पैदा करेंगे, फख्र से मेरा सर ऊंचा हो जाएगा। मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी, तुमसे भी ज्यादा। मुझे माफ करने की कोशिश करना। तू हमें अपना दुश्मन समझती है बेबी, बुरे वक्त में हम ही तेरे काम आएंगे। कहाँ चली? एक कर्जा चुकाना है। इसमें मेरा क्या दोष है दादा? शायद इस घर के नसीब में ही वीरानी लिखी है। कहती थी बच्चों को मैं पाल लूंगी, पगली।
बच्चों को पालना मजाक। जो अभी खुद बच्चा है वो भला बच्चों को क्या पालेगी। तुम समझते नहीं दादा मेरा रास्ता कितना कठिन है। एक मासूम बच्ची को अपने साथ घसीटने का मुझे क्या अधिकार है। मेरी फिक्र न करो दादा, हर गांव में मेरा घर है। हाँ भैया, मुझे किस चीज की फिक्र है। मेरे कदम लड़खड़ा जाएंगे। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल दिया और तुमने कागज के टुकड़ों पर मुझे ठुकरा दिया। जा रहे हैं? रास्ते में कुछ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, आपके घर में रहने का किराया और चाहिए। ये लो, ये लो। अगर फिर कभी रुपयों की जरूरत हो तो तेज भगत का ढूंढ जाके फिर आ जाना। मुझ जैसी भारतीय भागन इस मुल्क में मिल जाएंगी। कह दिया ना आप लोगों से। कहाँ गई? लो वो आ गई। लक्ष्मी देवी की, 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 लक्ष्मी देवी की। ये सब क्या है? वो जो 1,00,000 रुपए आपने हमारे एसोसिएशन को दिया है, श्रीकांत जी ने कहा था उसकी रसीद आपको पहुँचा दें। रसीद? जी हाँ, ये लीजिए। अरे पगली, वो बड़ा चालबाज है, तो तेरी जिंदगी मिट्टी में मिला देगा। मुझे जाने दीजिए। अब इनके साथ जबरदस्ती नहीं करता। हट जा बदमाशो, ये मेरी बहन है। ये तुम्हारी बहन नहीं, हमारी बहन है। क्यों भाइयों? जाओ बहन तुम। बदमाशो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम्हारी बचाएगी नहीं जा सकती। मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल का। दादा कहाँ है? वो तो चले गए बिटिया। चले गए किधर? वो दाएं हाथ की सड़क पर मुड़ गए रहे। बिटिया अपना लोट और गहना ले जा। तुम भी ना देना दादा। दादा, अरहर की दाल लहसुन से ही बघारते हैं ना? हाँ हाँ बिटिया। Thank you.
लेकिन लक्ष्मी मेरा रास्ता बहुत ही कठिन है। आपके साथ तो राह के कांटे भी फूल बन जाएंगे, और फिर आप ही ने तो कहा है कि रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम ना कर कर है बादल घनेरा किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान तेरा किसके रोके रुका।